हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफर कार फॉर इंडिया। इस चैनल पर हम लोग कार अवेयरनेस के वीडियोस अपलोड करेंगे, और अगर आपके पास कोई कार एक्सीडेंट का पिक और उसका डिटेल्स है, आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं @safercarforindia2020। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसी कार्स के बारे में जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर कार्स है। इनमें से एक है हुंडई की i10। ये ग्रैंड i10 या जो भी ग्रैंड i10 है, ये जो एकदम फर्स्ट जनरेशन है वो वाली i10। दूसरी है XUV500 एंड तीसरी है महिंद्रा के UV100। इन 3 कार्स का जो है एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है। इन 3 कार का जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसी पर जो है मैं आज वीडियो बनाऊँगा। जो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, पहले हम जान लेते हैं इनके क्रैश टेस्ट रेटिंग भी। तो हुंडई i10 की जो इस ये जो पर्टिकुलर जनरेशन है, इस i10 ने जो 0 स्टार स्कोर की है 0 एयरबैग्स के साथ, जिसमें एयरबैग्स मिलते भी नहीं थे। तो अनुपर से देख भी सकते हैं इसके जो स्ट्रक्चर है वो भी वीक है, व्हीलर से कोलैप्स हो चुके हैं। फिर इसके बाद जो है महिंद्रा XUV500, इसका जो है ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट जो ANCAP है वहाँ पर जो है इसका क्रैश टेस्ट हुआ है, जहाँ इसने 4 स्टार स्कोर किया है। फिर आता है महिंद्रा की KUV100, जिसका कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि KUV कंसेप्ट कर है। अब इसका जो है मैंने इससे पहले भी एक एक्सीडेंट का वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर जो है ये वाला वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए आप जानते हैं कि इनमें कौन सी लोहा यूज़ होती है। पहले जानते हैं i10 में। i10 में जो है नॉर्मल हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ होती है, एंड इसका जो है स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। XUV500 में जो है एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ होती है, एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। अब जो है ये है KUV100 का स्ट्रक्चर, इसमें जो है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ होता है, जो कि सबसे शक्तिशाली लोहा है। पहले है नॉर्मल हाई स्ट्रेंथ स्टील, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। उसके बाद है एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील, और उससे भी ज़्यादा जो पावरफुल है वो है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील। इसका जो है आप स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो। चलिए अब आज के एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। इस एक्सीडेंट में जो XUV500 वो काफ़ी हाई स्पीड में आके KUV100 एंड i10 को ठोक देती है, जिसके बाद आप डैमेजेस देख सकते हो। इसमें जो KUV100 एंड जो i10 है वो ट्रैफिक में खड़ी थी, जैसे कि आप दूसरी तरफ देख ही सकते हो। वहाँ पे जो XUV500 ऐसे ट्रैफिक में ज़्यादा स्पीड में चलते हुए इन दोनों कार्स को ठोक दिया था। इसके बाद जो KUV है उसका जो टेल लैंप टूट गया है, एंड जो बम्पर है उसमें डैमेज आई है, एंड बूट डोर पर थोड़ा हल्का सा डैमेज आई है साइड से। इसके बाद जो i10 है उसका बम्पर देखो कि बुरी तरह यहाँ से निकल गया है। हम जो XUV500 के जो डैमेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट जो रिपोर्ट के हिसाब से XUV500 के जो बम्पर में डैमेज हुआ है एंड फेंडर में थोड़ा डेंट एंड स्क्रैचेस आया है। इससे इस एक्सीडेंट में जो है अगर कार टू कार कंपेयर यहाँ जो है नहीं कर सकते, क्योंकि XUV500 बहुत ही ज़्यादा ऊपर की सेगमेंट की कार है, बट यहाँ जो है i10 एंड KUV100 को प्राइस वाइज कंपेयर किया जा सकता है। इन दोनों ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट की कार है एंड सेम प्राइस रेंज में ही आ रही है, लेकिन यहाँ जो है आप बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस देख सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जानिए, एंड आपको कौन सी कार आपको जो पसंद है नहीं पसंद है वो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए सी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।